अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम अजीम सलजोकी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान सुल्तान अलब अरसलान के खानदान के बारे में जानेंगे कि सुल्तान अलब अरसलान की कितनी बीवियां थी और सुल्तान अलब अरसलान की कितनी औलादे थी। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि सुल्तान अलब अरसलान के खानदान के बारे में तारीख में बहुत ही कम मालूमात मिलती है और जो मालूमात मिलती है उसे लेकर भी इख्तलाफ पाया जाता है, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी मालूमात मैं इस वीडियो में दूं वो सही हो। पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सुल्तान अलब अरसलान सल्तनत सलजोक के दूसरे सुल्तान। अगर हम मुकम्मल तारीखी मालूमात के मुताबिक बात करें तो सुल्तान अलब अरसलान की सिर्फ दो बीवियों का ही जिक्र मिलता है, सफारिया खातून सुल्तान अलब अरसलान की पहली जोजा और उनके जानशीन मलिक शाह अव्वल की वालिदा, और दूसरी आगजा खातून। आगजा खातून सुल्तान तुगरुल वन की जोजा थी। सुल्तान तुगरुल वन के इंतकाल के बाद सुल्तान अलब अरसलान से निकाह किया। सुल्तान अलब अरसलान को आपसे औलाद भी नसीब हुई, मगर आगजा खातून के बच्चों के बारे में तारीख में मालूमात ना होने के बराबर है। इसके अलावा कुछ तारीखी किताबों में सुल्तान अलब अरसलान की एक और जोजा का जिक्र भी मिलता है जिसका नाम शाह खातून था, मगर बाज़ तारीखदान इस बात से इनकार करते हैं कि सुल्तान अलब अरसलान की तीन जोजा थी। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ सुल्तान अलब अरसलान की दो बीवियां बताई। अब बात करते हैं सुल्तान अलब अरसलान के बच्चों पर। तो सुल्तान मलिक शाह अव्वल सुल्तान अलब अरसलान के यहाँ होने वाली पहली विलादत। मलिक शाह अलब अरसलान और उनकी जोजा सफारिया खातून के बेटे थे। मलिक शाह की पैदाइश एयर 1055 में हुई। मलिक शाह सुल्तान अलब अरसलान के बाद सल्तनत सलजोक के तीसरे सुल्तान बने। सुल्तान मलिक शाह की वफात एयर 1092 में हुई। मलिक तीतुश सुल्तान अलब अरसलान और सफारिया खातून के बेटे। मलिक तीतुश सल्तनत सलजोक के एक इलाके एली पोपो के हुक्मरान थे। मलिक तीतुश की वफात एयर 1095 में हुई। जुलेखा खातून जुलेखा खातून को लेकर तारीख में कोई भी मालूमात मौजूद नहीं है, मगर जुलेखा खातून के नाम के साथ तारीखी किताबों में सुल्तान अलब अरसलान का नाम लगता है, इसलिए ये बात मानी जाती है कि जुलेखा खातून सुल्तान अलब अरसलान की बेटी थी। और कुछ तारीखी जर्राए के मुताबिक जुलेखा खातून सुल्तान अलब अरसलान की दूसरी जोजा आगजा खातून से थी। सफरी खातून सफरी खातून सुल्तान अलब अरसलान और उनकी जोजा सफारिया खातून की बेटी थी। आप सुल्तान मलिक शाह की हकीकी बहन थी। आपकी पैदाइश एयर 1050 से एयर 1060 के दरमियान हुई। आयशा खातून सुल्तान अलब अरसलान की बेटी। इनके बारे में तारीख में मजीद कोई भी मालूमात नहीं बताई जाती। इसके अलावा मजीद बहुत से बेटों के नाम भी तारीखी किताबों में मिलते हैं, जैसे अरसलान अरगोन बिन अलब अरसलान। अरसलान अरगोन की वफात एयर 1097 बताई जाती है। बोरीवार के नाम के साथ भी अलब अरसलान का नाम आता है और इनकी वफात की तारीख एयर 1095 लिखी गई है। इसके अलावा कोई भी मजीद मालूमात मौजूद नहीं है। इन बच्चों के अलावा और भी कुछ बच्चों के नाम जैसे तुगरुल, अय्यास, तोगान शाह और तकिश ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद का नाम तारीखी किताबों में सुल्तान अलब अरसलान दर्ज है। हो सकता है कि मजीद कुछ तारीखी किताबों में भी
मज़ीद नाम मौजूद हों। अगर आपके पास सुल्तान अलब अरसलान के बच्चों को लेकर किसी भी किस्म की कोई मालूमात है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। शुक्रिया।